नमस्कार दोस्तों, सीएनसी प्रोग्रामिंग 2D में आपका वापस स्वागत है। दोस्तों, हम चल रहे हैं सीमेंस कंट्रोल की वीएमसी मशीन की प्रोग्रामिंग में। हम डिफरेंट टाइप के साइकिल सीख रहे हैं। दोस्तों, जो मेरा कल का एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको बताया था सर्क्यूमफेरेंस लॉट, जी हाँ, सर्क्यूमफेरेंस लॉट, जो कि हमने एक ही पिच सर्किल पे पूरा काटा था, आज उसके बारे में डिफरेंट कोऑर्डिनेट पे हम उसको बनाने की साइकिल तैयार करेंगे। दोस्तों, ये जो मैं ड्राइंग में आपको दिखा रहा हूँ, ये ड्राइंगें कुछ इस तरह की होगी। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह का हमको एक स्लॉट काटना होगा। तो हम कैसे काटेंगे? तो आज दोस्तों, इसका हम साइकिल बनाते हैं। एक ही साइकिल के अंदर कोऑर्डिनेट्स वगैरह चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इस तरीके का स्लॉट बना सकते हैं। दोस्तों, हमारी एक ड्राइंग ये रहेगी, जिसको आप नोट कर लीजिए एक बार। 35 mm पीसीडी है, 20 mm स्लॉट का विड्थ है, और ये एक्स जीरो वाली लाइन पे हमको सबसे पहले स्टार्ट करके एक स्लॉट बनाना है। इसके बाद में कैलकुलेट करके इस डिग्री पे आकर के हमको ये स्लॉट बनाना है। दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री पे अपन दो स्लॉट बनाएंगे। सबसे पहले इसका मैं प्रोग्राम आपको बना के बताता हूँ किस तरीके से इसका प्रोग्राम बनेगा। तो दोस्तों, चलते हैं सिमुलेटर के अंदर। मेरा वही प्रोसेस रहेगा, पार्ट प्रोग्राम के अंदर कोई भी हमको एक प्रोग्राम इसमें से उठाना है कि जो हमने पहले बना चुके हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सर्कुलर पॉकेट यहाँ से लेता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ। इस पूरे प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ, वापस प्रोग्राम मैनेजर में जा कर के एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, जिसका मैं नाम रख रहा हूँ दोस्तों सर्क्यूम फ्रेंड्स स्लॉट 1 2 3। ओके दोस्तों, यहाँ मैं उस प्रोग्राम को पेस्ट कर देता हूँ। सारे पैरामीटर वही रखते हुए मैं यहाँ एक वेरियस में केवल चेंज करूँगा कि जैसा कि मुझे एक सिलेंडर मिला है जिसका डायमीटर 100 mm है, जेड में कोई मार्जिन नहीं है, और -40 mm का मुझे एक सिलेंडर मिला है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। यहाँ के कोई पैरामीटर चेंज नहीं करते हुए हमको पॉकेट में आकर के इस पॉकेट को कैंसिल करना है। यहाँ पे अपन एक दो इनपुट ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम जाएंगे मिलिंग में, स्लॉट में, सर्क्यूमफेरेंस स्लॉट के अंदर। ये कल वाला साइकिल ही है दोस्तों, जो मैंने आपको कल बताया था। इस प्रोग्राम में कहाँ अपन को चेंज करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हमारे पास ड्राइंग है, उसके अंदर हमको दो स्लॉट काटने हैं। आर हमको 35 दिया हुआ है ड्राइंग के अंदर, 35 मैंने यहाँ डाल रखा है। ओपनिंग एंगल 0 पे है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ चार्ट को। एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के ये जो बीच का एंगल है, ये मेरा 90 डिग्री है। ये आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना कि कैसे 90 डिग्री होता है। दूसरा जो मेरा स्लॉट है दोस्तों, पहले स्लॉट के
फर्स्ट कॉर्नर से सेकंड स्लॉट के लास्ट कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस आता है दोस्तों, वो यहाँ मुझे फिल करना है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग दोस्तों, मेरा इससे यहाँ से जो मैंने स्लॉट स्टार्ट किया है जीरो से, सेकंड स्लॉट घूम करके यहाँ 180 डिग्री पर आता है। तो दोस्तों मैं यहाँ 180 डिग्री डालूंगा, मेरा स्लॉट का वेट वोका हुआ 20 mm ही है, मुझे 20 mm तक डेप्थ में स्लॉट काटना है। मैंने यहाँ प्रोग्राम थोड़ा फास्ट चले इसके लिए ये 2 mm का इसमें डेप्थ ऑफ कट दे रखा है, जो कि अपन को 0.5 ही रखना है अगर पीस सॉलिड है तो। दोस्तों इसको एक्सेप्ट करने के बाद जब हम इसका सिमुलेशन चेक करेंगे तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल हमको एक सेम पिक्चर मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, 90 डिग्री ये जीरो की लाइन है, यहाँ से स्लॉट स्टार्ट हुआ और 90 डिग्री यहाँ आता है, इस 90 डिग्री पर ये स्लॉट कट चुका है। जैसा कि सीमेंस कंट्रोल ने पूछा कि यहाँ से घूम करके यहाँ आने में कितना डिग्री घूमेगा, तो दोस्तों मैंने 180 डिग्री कैलकुलेट किया है, यानी कि यहाँ के स्टार्ट पॉइंट से यहाँ का स्टार्ट पॉइंट के बीच का दूरी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री मैंने कैलकुलेट किया दोस्तों, और वो मैंने इसमें डाल दिया। तो ये दो स्लॉट अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों अब अपन इसमें दो स्लॉट ही वापस काटेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर जो डिग्री हमको मिलता है उसके अकॉर्डिंग काटेंगे। तो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट दो स्लॉट डिग्री एंगल के ऊपर कैसे काटेंगे, देखिए। तो दोस्तों ये हमारी सेकंड ड्राइंग, जिसके अंदर हमको एक जीरो लाइन से 40 mm का डिग्री दे रखा है, यानी कि इस सेंटर लाइन से 20 डिग्री यहाँ ऊपर से हमको एक स्लॉट बनाना है जो घूम कर जाएगा 180 माइनस 20 डिग्री यानी कि 160 डिग्री पर आएगा। तो दोस्तों हमसे ड्राइंग में वापस सिमुलेशन के अंदर ये पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है। तो दोस्तों हम इसमें से एंगल निकाल लेंगे, क्योंकि 20 डिग्री तो यहाँ कम हो गया 180 में से, और 20 डिग्री ही 180 में से यहाँ कम हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल रहेगा 140 डिग्री। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के बाद साइकिल किस तरीके से बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरीके से चार्ट फिल करना है। वापस स्लॉट के अंदर हम आकर के इस स्लॉट के प्रोग्राम को हम खोलेंगे, और यहाँ मुझे दो स्लॉट ही बनाने हैं। 35 का मेरा PCD मुझे मिला है, इसका आधा R35 है जो कहीं नहीं रहेगा। दोस्तों यहाँ स्टार्ट एंगल हमको चेंज करना है, यहाँ से पूछा कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है। तो जैसा कि आपने ड्राइंग के अंदर देखा कि मुझे यहाँ 20 डिग्री डालना होगा, यानी कि 40 डिग्री दे रखा है तो उसका आधा मुझे 20 डिग्री डालना होगा। अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि यहाँ से इस स्लॉट का ओपनिंग एंगल कितना है, यानी कि इस स्लॉट कितना लंबा बनेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 140 डिग्री मैंने निकाला है, 20 डिग्री इस साइड से कम किया है, 20 डिग्री इस साइड से कम किया है 180 में से, तो 140 डिग्री मेरे पास बचता है। तो दोस्तों मैं यहाँ लिखूँगा 140 डिग्री। अब पूछ रहा है दोस्तों कि जो मैंने एक स्लॉट काट दिया है पिछला वाला, उससे यहाँ का इंक्रीमेंटल एंगल कितना है। तो दोस्तों यहाँ का जो इंक्रीमेंटल एंगल है, वापस हमको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों ये 180 डिग्री ही आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ हो जाने के बाद में सेम इसका जो एंडिंग है 180 डिग्री पे हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर भी 180 डिग्री ही इनपुट कर देंगे। कट मैंने 2 mm का ही रखा है। दोस्तों इसका सिमुलेशन चेक करते हैं एक्सेप्ट करने के बाद में, देखिए ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये बना कि नहीं बना साइकिल। ये देखिए दोस्तों 20 mm डिग्री यहाँ पर है, और यहाँ से 20 mm डिग्री यहाँ पर है, यहाँ से 20 mm डिग्री है, यानी टोटल ये 40 डिग्री का एंगल है।
ये भी 40 डिग्री का एंगल है इस सेंटर पॉइंट से। जिस तरीके से मैंने चार्ट फिल किया दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स निकाल के, उस तरीके से आपको भी करना होगा ताकि ये स्लॉट बड़े ही इजी से ड्राइंग के अकॉर्डिंग तैयार हो जाए। तो दोस्तों ये हो गया, किसी पर्टिकुलर डिग्री दी होती है तो उसके ऊपर स्लॉट हम कैसे काट सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हमारा जो तीसरी ड्राइंग आ रही है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि चार जगह, अगर यही स्लॉट अगर चार जगह काटना होता है तो उसके लिए हम क्या वैल्यू फिट करेंगे चार्ट के अंदर। तो तीसरी ड्राइंग में आपको दिखाता हूँ, देखिए आप इस ड्राइंग को। तो दोस्तों ये हमारी ड्राइंग है, इसके अंदर हमको चार स्लॉट काटने हैं। साइज स्लॉट का वो का वो ये विड्थ का 20 mm, चार स्लॉट काटने हैं दोस्तों। 40 डिग्री यहाँ दे रखा है, यानी कि 20 डिग्री ये यहाँ है और 90 डिग्री में से भी 20 डिग्री ऑटोमेटिकली इसमें कम हो रहा है क्योंकि ये चारों साइड से एक जैसा है। तो हर साइज में से हमको इसमें से 20 डिग्री निकालने के बाद ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का ओपनिंग एंगल इस सेंटर से इस सेंटर का हमको दिखाना है, वो हम चार्ट में फिल करेंगे दोस्तों। तो देखिए चार स्लॉट एक साथ एक ही बार में किस तरीके से हम काट देते हैं। आशा आपने ड्राइंग को नोट कर लिया होगा। चलते हैं सिमुलेटर पे, वापस एडिट में जाते हैं दोस्तों। इसी साइकिल को हम वापस खोलते हैं, सब कुछ वो का वो ही रहने देते हैं। अब हमारे पास स्लॉट आ गए हैं चार, मैं यह चार नंबर इनपुट करूंगा। चार नंबर इनपुट करते हैं यहाँ थोड़ा सा अलार्म टाइप का दिखेगा आपको जो कि गलत है। तो हमको इस चार्ट को फिल करना है हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग। हमारे आर बुकी हुई 35 mm है, ओपनिंग एंगल हमारा 20 डिग्री का है और 90 डिग्री बनता है यहाँ से यहाँ तक। 90 में से हमको 20 इधर से निकालने हैं और 20 यहाँ से निकालने हैं क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यानी 40 mm हम निकाल देंगे तो हमारा स्लॉट का जो एंगल बचेगा वो 50 mm का बचेगा, 50 डिग्री का बचेगा। दोस्तों मैं यहाँ 50 फिट कर दूंगा, यानी कि ये यहाँ से आते के जो इसका अल्फा वन आया है ये 50 डिग्री का हो गया और सेकंड की जो पोजीशन ये पूछ रहा है दोस्तों वो 90 डिग्री रहेगी क्योंकि चार स्लॉट काटने हैं, इसलिए हम यहाँ 90 डिग्री डाल देंगे। तो 360 डिग्री का एक सर्किल पूरा हो जाता है दोस्तों। इसको एक्सेप्ट करने के बाद हम इसका सिमुलेशन चेक करते हैं, देखिए चार स्लॉट कटते हैं कि नहीं कटते हैं। ये देखिए दोस्तों 20 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 20 डिग्री, यानी कि इस सेंटर लाइन से 90 डिग्री में से अगर 20 डिग्री इधर से निकाल लिया जाए, 20 डिग्री इधर से निकाल लिया जाए तो ये 50 डिग्री का एक ओपनिंग स्लॉट बचता है। तो 50 डिग्री उसमें डाल दिया है। जब सेकेंड स्लॉट काटना है तो वो 90 डिग्री पोजिशन पे है तो उसके अंदर मैंने 90 डिग्री डाल दिया है और चार स्लॉट मैंने बताए हैं कंट्रोल को, तो ये चार स्लॉट उसने मुझे काट के दे दिए। देखिए दोस्तों इस तरीके से कट गया ना। अच्छा तो दोस्तों एक ही साइकिल के अंदर हम ये बना सकते हैं, आप चार की जगह पांच स्लॉट भी काट सकते हैं, 10 स्लॉट भी काट सकते हैं और अलग अलग पिच सर्किल के ऊपर आप चाहे जितने इसमें स्लॉट काट सकते हैं। आपके पास अगर बड़ी प्लेट है तो बड़ी प्लेट में जगह जगह इस तरीके के स्लॉट काटने के लिए आपको यही साइकिल काम में लेना पड़ेगा, सिर्फ ड्राइंग के अंदर कोऑर्डिनेट्स निकाल करके उसको इस पे ऑपरेट करना है। तो दोस्तों आज हमने एक ही प्रोग्राम के अंदर तीन से चार टाइप के स्लॉट काटना सीख लिया है। मुझे आशा है ये मेरा साइकिल आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ आज ये सर्कमफ्रेंस स्लॉट का हमारा जो एक प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आपको कोई दिक्कत हो इस साइकिल के अंदर तो कृपया
मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आशा है इस प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको एक अलग टाइप का स्लॉटिंग का और काउंटर मिलिंग का प्रोग्राम बना करके बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी रोज़ की नई अपडेट आपको मिल सके और आप देख सकें और कुछ सीख सकें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।